नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। अगर दिन भर की भागदौड़ और कामकाज के चक्कर में छूट गई हैं आपसे अहम खबरें तो कहीं नहीं, बस यहीं आ जाइए जी बिजनेस पर, जहां डिनर के साथ मिलेंगी धुआंधार खबरें। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। कोरोना की भयावह स्थिति के बीच चौतरफा खरीदारी ने बाजार को राहत दी। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार को सपोर्ट मिला। बाजारों को वैक्सीनेशन से हालात में सुधार की उम्मीद है। कई राज्यों में कोरोना की स्थिति काबू में आने के संकेत मिले हैं, जिससे बाजार ने कुछ राहत की सांस ली। अंत में सेंसेक्स 508 की बढ़त के साथ 48,386 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की मजबूती के साथ 14,485 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अलावा सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। रियल्टी इंडेक्स ने 3.5% की छलांग लगाई, जबकि मेटल इंडेक्स 2% तक चढ़ा। सरकारी और निजी बैंक इंडेक्स ने 0.25% तक की मजबूती दर्ज की। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.25% चढ़ा। रियल्टी इंडेक्स पर फिनिक्स मिल्स के शेयरों ने 18% तक की छलांग लगाई। सिर्फ दो निजी बैंकों और मेटल शेयरों ने निराश किया। सरकारी बैंकों में सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ही फंसले। फार्मा इंडेक्स पर सिर्फ 3 शेयर चढ़े। दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो मुनाफा 1,080 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 1,305 करोड़ रुपए का था। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसो मुनाफा 1,310 करोड़ रुपए से घटकर 1,080 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान तिमाही आधार पर कंपनी की आय 9,647 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,730 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 30 रुपए प्रति डिविडेंड का भी ऐलान किया। पावर ग्रिड के मालिकाना हक वाली पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का IPO 29 अप्रैल को खुल रहा है। इस इश्यू में 3 मई तक निवेश किया जा सकेगा। कंपनी ने अपने IPO के लिए शेयर की कीमत 99 से 100 रुपए प्रति शेयर तक किया है। सामान्य निवेशक इस IPO में कम से कम 1100 यूनिट के लिए बोली लगा सकेंगे। 100 रुपए के प्राइस बैंड से देखें तो किसी निवेशक को कम से कम 1,10,000 रुपए लगाने होंगे। बैंकों के MD, CEO और होल टाइम डायरेक्टर्स को लेकर RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है। RBI ने कहा है कि कोई एक व्यक्ति इन पद पर 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर बोर्ड उसे दोबारा पद पर नियुक्त करना चाहता है तो कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा, यानी 3 साल इंतजार करना होगा। RBI ने कहा कि 3 साल का जो अंतर है या इंतजार करना है, उस दौरान वो अधिकारी ना तो इस बैंक के साथ रहेगा और ना ही बैंक की किसी और कंपनी के साथ रहेगा, यानी उसे किसी भी हालत में बैंक से अलग होना होगा। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सभी बंदरगाहों से कहा है कि वो ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से किसी भी प्रकार का चार्ज न लें। सरकार ने फिलहाल 3 महीने तक चार्ज न लेने के लिए कहा है। आवश्यकता पड़ने पर चार्ज में छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए सरकार ने इसके आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस की छूट दी है। एयरलाइंस 31 मई तक किराए में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। पहले की ही तरह उन पर किराए को लेकर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसे लेकर सिविल एविएशन मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया है। कोरोना की वजह से पिछले साल से ही फ्लाइट किराए की सीमा पर प्रतिबंध लगा है। इससे पहले फरवरी में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। किराए के अलावा फ्लाइट को 80% क्षमता के साथ ही चलाना होगा। एयरलाइंस ने कल ही मंत्रालय से अपील की थी कि क्षमता को घटाकर 60% कर दिया जाए, क्योंकि अप्रैल में बुकिंग में काफ़ी कमी आई है। कोरोना काल में एयरलाइंस कंपनी विस्तारा ने एक शानदार पहल की है। कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्स को देश भर में कहीं भी जाने के लिए फ्री में सेवा देने की पेशकश की है। विस्तारा ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की है। विस्तारा ने कहा कि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भी भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर दुख व्यक्त किया है। वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने मदद का वादा किया है। नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवाज, संसाधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग को जारी रखेगा। सुंदर पिचाई के ट्वीट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट को देखते हुए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। ये फंड गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए भारत को मिलेगा।
मारुति सुजुकी पूर्व चेयरमैन एमडी जगदीश खट्टर का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। वो 78 वर्ष के थे। 1993 से 2007 तक मारुति सुजुकी के साथ जुड़े रहे। खट्टर को 1993 में पहली बार मारुति के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया था। 1999 में इन्होंने एमडी का पद संभाला। वो पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। मारुति सुजुकी के साथ करीब 37 साल तक काम करने के बाद उन्होंने खुद को कंपनी कार्नेशन ऑटो इंडिया बनाई थी। वो साल 2003 से 2005 तक सियाम के प्रेसिडेंट भी रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है जब हमें घर पर रहते हुए भी मास्क लगाने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह समय किसी को भी घर पर आमंत्रण देने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और घर पर भी मास्क लगाकर रहने का है। वहीं कोरोना के शुरुआती लक्षण देखे जाने पर लोगों से घर पर ही आइसोलेट होने के लिए कहा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर खुद को तत्काल आइसोलेट करें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने तक का इंतजार ना करें। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ चर्चा की। बैठक के बाद बिपिन रावत से कहा कि सशस्त्र बलों से पिछले 2 साल में सेवानिवृत्त हुए सभी मेडिकल कर्मचारी अपने घरों के पास स्थित कोविड 19 केंद्रों में काम करेंगे। इसके साथ ही कमांड कोर डिवीजन और नौसेना तथा वायुसेना के समान मुख्यालयों में तैनात सभी मेडिकल अफसर अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 1,34,00,000 वैक्सीन डोज के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कीमत कम करने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि जरूरत पड़े तो टीके की कीमत तय कर दी जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेटरी को अस्पताल समेत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक बुलानी चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल की सुनवाई में सभी रिफिलर्स कंपनियां मौजूद रहें। कोर्ट ने कहा कि अगर सप्लाई को सुचारू रूप से नहीं किया गया तो रिफिलर्स पर एक्शन हो सकता है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैठक में जो फैसला हो उसे कल अदालत को सूचित किया जाए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि दिल्ली के टैंकरों को रोका क्यों जा रहा है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी परिसर में बना शहर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सेंटर का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। फिलहाल 500 ऑक्सीजन बेड के साथ ये सेंटर शुरू किया गया है। अगले कुछ दिनों में बेड की संख्या बढ़ाकर 2,500 तक की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस कोविड केयर सेंटर में सिर्फ रेफर किए मरीज ही भर्ती किए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस कोविड केयर सेंटर के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो यहां 24 घंटे काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिनों के लॉकडाउन लगाने की ऐलान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इस दौरान जरूरी सर्विसेज के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की अनुमति है। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। इसके साथ ही राज्य के बाहर या राज्य के भीतर यात्रा की अनुमति नहीं होगी, केवल आपातकालीन मामलों में छूट दी जाएगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 28 लाख के पार हो गई है। मुंबई में नए मरीजों की संख्या पिछले एक हफ्ते से लगातार कम हो रही है। हालांकि चिंता की बात है कि राज्य में अभी नए संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 66,191 नए केस मिले हैं। इस दौरान 61,450 लोग रिकवर हुए हैं और 832 की मौत हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरोना टीके उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की घोषणा की है।
मुंबई में 4 नए जंबो कोविड सेंटर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सेंटर कांजुरमार्ग, मलाड, सायन और महालक्ष्मी रेसकोर्स में खोले जाएंगे। कांजुरमार्ग के जंबो कोविड सेंटर में 2000 बेड होंगे, जिनमें 200 आईसीयू बेड होंगे। इसी तरह मलाड में 2000 बेड होंगे। सायन के कोविड सेंटर में 1000 बेड होंगे, जिनमें से 200 आईसीयू बेड होंगे। इसी तरह महालक्ष्मी सेंटर में 300 बेड होंगे। इन कोविड सेंटर्स में सेंटर्स को मई के अंत तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इस तरह मुंबई को अतिरिक्त 5300 बेड मिल जाएंगे। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने मांग की गई है कि करूर विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। देश में जब से कोरोना महामारी पहुंची है तभी से राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार केंद्र को नाकाम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज वोट डाले गए। इस चरण में 5 जिलों की 36 सीटों के मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले के 6-6 सीटें, मुर्शिदाबाद की 11 सीटें, कोलकाता की 4 और वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आज की वोटिंग के बाद कुल 268 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8वें और आखिरी चरण में 35 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नतीजे 2 मई को आएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 20 जिलों में वोट डाले गए। इस चरण में करीब 3.5 लाख उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। कोरोना लहर को देखते हुए इस चरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी की थी। पुलिस बूथ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराया गया। हालांकि कई जगहों से छोटी मोटी हिंसा की खबरें भी आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लाल किला हिंसा से जुड़े इस एएसआई मामले में भी दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। सिद्धू को 30,000 कोर्ट ने जमानत दी। अदालत ने कहा कि पुलिस पहले से ही 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत को मंजूर कर लिया था। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया था कि आरोपी 9 फरवरी से हिरासत में है और वो इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में भी रहा। दीप सिद्धू लाल किला पर हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई सदस्य आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ग्रुप एडमिन ना तो किसी सदस्य की टिप्पणी को पोस्ट किए जाने से पहले सेंसर कर सकता है और ना ही उसे संपादित करने का अधिकार उसके पास होता है। ऐसे में किसी सदस्य की आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मामले में एडमिन को कसूरवार ठहराना वाजिब नहीं है। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में नोमाड लैंड को का बोलबाला रहा। फिल्म ने 3 अवार्ड्स, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड हासिल किया। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड 83 साल के एंथोनी हॉपकिंस ने फिल्म द फायर के लिए जीता। वे इस कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले सबसे उम्र दराज एक्टर हो गए हैं। इससे पहले 2011 में क्रिस्टोफर प्लमर ने 82 साल की उम्र में बिगिनर्स के लिए ये अवार्ड अपने नाम किया था। 93वें एकेडमी अवार्ड सेरेमनी का सोमवार को सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस बीच ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के मेमोरियल सेगमेंट में दुनिया भर के कई दिग्गज दिवंगत एक्टर्स को भी याद किया गया। वहीं एकेडमी ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर इरफान खान और इंडियन ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को भी श्रद्धांजलि दी। इरफान और भानु दोनों को सीन कोनेरी, क्रिस्टोफर प्लमर और चैडविक बॉसमैन जैसे कई दिग्गज कलाकारों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। अवार्ड सेरेमनी के मेमोरियल सेगमेंट में एक वीडियो क्लिप पेश किया गया। सलमान खान और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का पहला गाना सीटी मार रिलीज कर दिया गया है। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के मेकर्स और सलमान खान ने भी इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया।
इस डांस नंबर गाने में सलमान और दिशा की केमिस्ट्री और क्रेजी डांस मूव्स देखने लायक हैं। इसके रिलीज होते ही यूट्यूब पर इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। राज मेहता के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का दूसरा शेड्यूल अप्रैल में शुरू होने वाला था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दिया। इसके चलते कई फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज की शूटिंग भी रुक गई, जिसमें जुग जुग जियो का दूसरा शेड्यूल भी शामिल है। नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म एडिटर वामन भोसले का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। फिल्म मेकर सुभाष घई ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। घई ने लिखा है कि वामन भोसले सर की आत्मा को शांति मिले। मेरी पहली फिल्म काली चरण में जीनियस एडिटर, जो बाद में खलनायक तक मेरी सभी फिल्मों के एडिटर टीचर रहे, मुझे अपनी ताल जैसी फिल्मों की एडिटिंग के लिए प्रेरित करते रहे, एक महान टीचर थे, ये कहना सुभाष घई का है। इंडियन प्रीमियर लीग के 21वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है। पंजाब की टीम 5 मैचों से 4 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। इस मुकाबले में जीत उसे टॉप 4 में पहुंचा देगी। वहीं केकेआर की टीम लगातार 4 मैच हारकर पॉइंट लेवल में आखिरी नंबर पर है। एक और हार प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावनाओं को काफ़ी कमजोर कर देगी। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल इस सीजन में 5 मैचों में 221 रन बनाकर अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। कोरोना के कारण अब कुछ बड़े खिलाड़ी आईपीएल टूर्नामेंट में नाम वापस ले रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर एड्रयू ट्राई ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एडम जंपा और केन रिचर्डसन ने भी टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसके बाद बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि आईपीएल चलता रहेगा, टूर्नामेंट पर कोई खतरा नहीं है। आईपीएल के 19वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रन से हरा दिया। चेन्नई की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे। उन्होंने 28 बॉल पर 62 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ ही 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके साथ ही 1 रन आउट भी किया। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने विपक्षी टीम के खिलाड़ी जडेजा की तारीफ की और कहा कि उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जडेजा के इस प्रदर्शन से वो खुश हैं क्योंकि सीएसके के साथ ही भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। आईपीएल में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हार के बाद टीम को एक और झटका लगा। कप्तान विराट कोहली पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोहली सीजन में सजा पाने वाले 4थे कप्तान हैं। आईपीएल ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ओएन मोर्गन पर भी 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न हुई वर्ल्ड कप स्टेज 1 में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिका बारी की तिकड़ी ने मैक्सिको को सीधे सेंटों में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। वहीं दीपिका कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने टीम इवेंट के अलावा इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। भारतीय टीम ने 2016 के बाद पहली बार इस इवेंट में गोल्ड जीता है। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले भारतीय समयानुसार रविवार देर रात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी, अब जबकि उसे ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्दी से जल्दी मदद और साजो सामान भेजा जा सके।